देखो यही ब्रिज बन रहा है, बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा हो, जो आपको उधर से मस्जिद से नज़ारा दिखाते हैं। तो आगे मस्जिद है, अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो ना आपको जाके पूरा नज़ारा दिखाता है। किधर काम चालू है, ब्रिज बन रहा है इसके लिए, चलो आपको दिखाते हैं। तो देखो कितना बड़ा, यहाँ से वहाँ तक है। ये देखो रोड है, इसके ऊपर देखो मस्जिद है, मस्जिद के आगे पूरा खाड़ी समुंदर का, चलो आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो ब्लॉग को अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आप मेरे आगे पीछे देख रहे हो मैं कहाँ पर आ गया, कौन से खंडर में आ गया। दूसरे खंडर नहीं है, समझ लो खंडर ही है। तो बहुत जूना एक मस्जिद है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी खाड़ी है, जो एक ब्रिज बन रहा है यार, मतलब बहुत लंबा ब्रिज बन रहा है। मतलब कम से कम 10 साल से काम चालू है, अभी तक पूरा कम्प्लीट हुआ नहीं है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको दिखाते हो। और यहाँ पे मतलब बड़े बड़े सीप आती हैं, कार्पो सीप, जैसे बड़ी बड़ी नहीं होती है, लग्जरी सीप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब बहुत बड़ा यार। चलो आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। वहाँ मुझे जाने के लिए एंट्री नहीं था, इसलिए कि यार वहाँ पे भी काम चालू है, ऊपर से कुछ भी गिरा तो भाई सर फूट जाएगा इसके लिए, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे आगे पीछे देख सकते हो, बहुत जूना मस्जिद है यार, मतलब कम से कम देखा जाए तो 200-300 साल पुराना साइज से है, ऐसा सब लोग बोल तो रहे, मैं भी वही सुन ही रहा हूँ। यार मेरे पीछे देख सकते हो, इधर देखो पीछे जो ब्रिज दिख रहा हो ना, ये बहुत जूना ब्रिज, इस साइड दिखाता आपको, एक सेकंड देखो पीछे, मेरे पीछे देखो पूरा खाड़ी, देखो जो ब्रिज देख रहा है, इतना ब्रिज दिख रहा है आप लोग को पूरा, वहाँ से लेके मालूम था कहाँ तक गया, ऐसे एलिफेंटा तक गया है। इसलिए हम लोग जब भी एलिफेंटा जाते हैं तो ये वाला ब्रिज दिखता है, वहाँ से ऐसा लग ही रहा है। एलिफेंटा नहीं जानते होंगे तो उधर का ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला, अभी नहीं, बहुत मतलब बहुत लेट के बाद आएगा, अभी नहीं, तो बहुत जल्द लेके आऊँगा। हाँ तो आओ यार नज़ारा देखते हैं कैसा है यहाँ का खूबसूरत सा। ये सब पहले मस्जिद था, अब तो एक सामने मस्जिद है, तो पूरा मतलब एक पर टूट चुका है, मतलब खंडर हो चुका है पूरा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मतलब यहाँ वही लोग रहते हैं जैसे मतलब इस मस्जिद का ख्याल रखते हैं, साफ़ सफाई वाले। वही देखो ये कितना बड़ा बन रहा है ब्रिज, देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लग रही है, जो आप मशीनें देख रहे हो ये हर ब्रिज को एक मतलब लगाते जाता है वैसा है पूरा, मतलब क्या है मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग तो रहा है कि सलिया उलिया लगाते हुए जाता है ऐसा मशीन। तो कितना बड़ा है, वहाँ से बहुत लंबा, चलो उधर से आपको दिखाता हूँ नज़ारे, देख सकते हो यार। जैसे रात हो चुका होगा तो डर लगेगा भाई, देखो पूरा खंडर है नीचे, देखो ये नीचे जो देख रहे हो ना, ये मतलब कोई ज़मीन नहीं है, नाला है बहुत बड़ा, अंदर घिरेगा तो कहाँ जाके मर जाओगे भाई। उधर देखो कुछ, उधर भी कुछ है यार, वहाँ देखो पूरा पहाड़ी इलाका है, ये बहुत खाड़ी है, समुंदर नहीं है, खाड़ी बोलते ना जहाँ पानी रुका रहता है सब, खाड़ी छोटा छोटा खाड़ी वैसा है, मतलब इस साइड पूरा समुंदर है। इस साइड जो देख रहे हो, इस साइड आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा समुंदर इस साइड से। चलो ये देखो, यहाँ लोग देखो रहते हैं, खाना बनाते थे पहले, ये सब दो साइड से अभी भी बना रहे हैं ऐसा लग रहा है, मालूम नहीं जी, वो यहाँ का ख्याल रखते। देखो पूरा भूतों का इलाका लग रहा, नहीं यार मस्जिद है, सॉरी। ये देखो ये कितना जूना, बहुत जूना जूना चीज़ है, तो यहाँ सब लोग पेड़ ओड़ लगाए हैं। ये पेड़ देख लो, पपीता का पेड़ है, देखो नीम का पेड़ है। इधर देखो जो सामने दिख रहा हो पूरा, मतलब खूबसूरत सा नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये घूमने का कोई प्लेस नहीं है, यहाँ पे अक्सर छमिया लोग आती हैं, मतलब समझ जाओ क्या, मस्जिद उस साइड है ना, ये इस साइड पड़ता है, ये मस्जिद नहीं था, ये घर था। मस्जिद तो आपको उधर दिखा दूँगा, उधर मस्जिद है, चलो आपको उधर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं भाई, एकदम शायद से अमरूद का पेड़ लग रहा है यार वहाँ पे, हाँ यार पेरू का पेड़ लग रहा है मेरे को। ये फूल देखो, ये सब फूल के पेड़ है, देखो गेंदे का फूल देखो उधर, गेंदे का नहीं यार, कौन सा फूल है मुझे खुद नहीं मालूम, होगा कुछ भी। देखो पपीता फरा हुआ है, देखो ये मस्जिद है, इसके पीछे मस्जिद है। बिल्लियाँ बहुत याद है, वो बकरी उकरी रखे सब काटने में, देखो बिल्ली तो भाग गई। ये देखो कितना जूना है ऐसे भी सब, अजा अजा भाग रही है डर के। ये देखो नीचे आपको दिखाने, पूरा ये पूरा गटर है पूरा, मतलब बता ना पूरा खाड़ी जैसा बोलते हो, पूरा नाला है इतना बड़ा वहाँ से यहाँ तक, एकदम मस्त नज़ारा दिख रहा है खूबसूरत से यार। आधा ऊपर नहीं यार, मतलब एक छोटा सा पहाड़ है, इसके ऊपर पूरा मस्जिद है, देख सकते हो मेरे पीछे बिल्डिंग, तो नीचे रोड दिख रहा है, मेन रोड नीचे ही है सिर्फ। तो यार मज़ा आ रहा है, मतलब ठंडा ठंडा हवा आ रहा है अच्छा खासा, तो यार मस्त यार, एकदम जूना, बहुत जूना सा बोलते हो इसको, मैं भी वही कहानी सुना इसके बारे में। और मेरे उस साइड मस्जिद है, बनाया गया है, मतलब ये पूरा तोड़ दिया गया मस्जिद को, उस साइड बनाया गया है। तो मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ भाई, मैं मतलब इस सिटी में नहीं आया हूँ, मैं इस इलाके में नहीं आया हूँ, इस जगह पर, समझ रहे हो, समझ जाओ यार। और पानी का पॉट कितना खूबसूरत, इतना जूना पॉट है ये बनाया गया। तो सामने रोड है,
पूरा जंगल है यार, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत चीज़ है यहाँ पे, क्या बोलना। अभी यहाँ आपको धूल ही धूल दिखेगा, पूरा गाँव की तरह धूल उड़ेगा यहाँ पर। चलो आपको मस्जिद का दर्शन कराते हैं, फिर इधर का खूबसूरत सा कुछ नज़ारा दिखाते हैं, कोशिश करेंगे। देखो यही मस्जिद है, सब यहाँ पे आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अपने अल्लाह से मिलते हैं। चलो आपको इधर का इधर से दिखाते हैं आपको, कितना मस्त इधर का और नज़ारा दिख रहा है। इधर देखो, ये अंदर मस्जिद है। वाह यार, अरे वाह, यहाँ तो और ही डर लग रहा है मेरे को। ये देखो कितना पतला है, गिरेंगे मैं तो सीधा नीचे जाऊँगा, मगर नहीं यार, इतना भी नीचे नहीं जाऊँगा कि हाथ पैर टूटेंगे, मरूँगा नहीं। ये देखो मस्त नज़ारे यार, यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम मस्त। यही एक बड़ा सा घर बनाने का, यहीं रहने का मज़ा ही कुछ। ऐसे ऐसे प्लेस पे जा रहा हूँ ना भाई, मैं भी कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, इसी में मैप के थ्रू जाता हूँ भाई, सच्ची बोलता हूँ। और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी कर लेता भाई, वहाँ पे क्या है, क्या चीज़, वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुछ उल्टा काम तो नहीं हो रहा, इसके रिसर्च करने के बाद ही परफेक्टली जाता। आप लोग एक मत सोच लेना कि यार मैं ऐसे निकल जाता हूँ भाई, बैग उठा के भाई चलो भाई कहीं भी निकल ले, ऐसा नहीं। हर चीज़ का रिसर्च करके निकलोगे ना तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, समझे। नहीं तो कहीं कहीं जाओ ना, आप वहाँ पे जेल में भी जा सकते हो, समझ रहे हो ना। इससे कारखाने सब पीछे देख रहे हो, सब जितने कारखाने हो रहे हैं वहाँ पर जाओगे भाई, जिम्मेदारी कौन लेगा। काम चल रहा है, कुछ ऊपर से लोखन गिर गया, कुछ मतलब कुछ भी गिर सकता है, तुम्हारी तुमको हानि पहुँच सकती है। इसके लिए कभी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और किसी से पूछ कर ही जाना, ऐसे फालतू निकल मत जाना घर से, घर वाले को पूछ कर ही जाना, समझे। नहीं तो घर वाले टेंशन में रहेंगे भाई, बच्चा किधर चला गया, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे आ रहा है, तुम बेटा तुम कहीं और ही लगे रहे हो, सुधर जाओ थोड़ा, अच्छा लगता है, समझे। वैलेंटाइन डे थोड़ा कम मनाओ, समझ गए। बस गर्लफ्रेंड के साथ घूमो फिरो, तुम्हारा काम ही क्या है, बस फालतू चीज़ें करना है तुम्हें और कुछ नहीं ज़िंदगी के बाद। फिर इसके बाद गर्लफ्रेंड पटाओगे, फिर इसके बाद नौकरी करोगे, नौकर बनोगे ज़िंदगी भर का, फिर इसके बाद बोलोगे अरे यार ज़िंदगी चल रही है, तुम्हारी ज़िंदगी झंड है, समझ गए। अभी तुम तैयार हो जाओ, अभी अपने बारे में सोचो, सक्सेस हो जाओ, आगे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारे लड़के घूमेंगे, समझ गए। तो बस यार मज़ा आ रहा, कुछ भी बोलो यार, थक चुका भाई, इतना चलने आना पड़ा, मतलब यहाँ में स्टेशन से लगभग 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी मतलब थक ही गया तो ऊपर है ना यार, इसके तो नीचे ऊपर करना पड़ रहा सीढ़ी के, इसके लिए नीचे चलते हैं। तो मैं नीचे और आ रहा हूँ, आ गया, अब इसके नीचे नहीं जाऊँगा भाई, क्या कचड़ा बिनने जाऊँगा। ये देखो ना जा रहे, दस ऐसे किसी का बिल्डिंग नहीं है यार, कुछ और है। देखो बोलो ना, पहाड़ के ऊपर है, ये पत्थर दिख रहा है आप लोग को। मैं उधर जाने की ट्राई करता यार, मगर क्या करें, वहाँ जाने के लिए अलाउड ही नहीं है, छोड़ो जाने दो। इधर से नज़ारे देख लो भाई, इधर देखो, इधर पूरा पानी भर जाता है। अभी क्या है, जैसे शाम होगा ना, उसे पूरा पानी आता आता पूरा भर जाएगा इधर तक, फिर सुबह पूरा पानी उधर तक चला जाता है, पूरा भर जाएगा, जितना देख रहे हो ना वहाँ तक देख रहे हो ना, पूरा पानी भर जाता है। समुंदर का पानी कैसा है कि शाम होते, जैसे शाम होगा उसी पूरा पानी भरते जाएगा। देखो पानी कहाँ तक, अपने वहाँ तक पूरा पानी चल जाता है। पूरा जो उधर देख रहे हो पूरा फैक्ट्री है, पूरा फैक्ट्री वहाँ पे, देखो पूरा फैक्ट्री वहाँ से लेकर वहाँ तक है। बस खूबसूरत नज़ारे यार। अब मेरे पीछे किला देख रहे हो, जो इतना बड़ा किला है, वहाँ पहले लोग जाते थे, जब से लॉकडाउन लगा तब से बंद है पूरा। सोचा कि यार मैं भी आ गया तो आपको नज़ारे दिखा सकता हूँ, अभी क्या करूँ, बंद ही है पूरा, मेरे पीछे देख सकते हो पूरा, बहुत बड़ा किला यार। क्या ये मस्जिद का ही किला है, तो अभी क्या इसके ऊपर मैं भी नहीं जानता, मेरे को क्या मालूम था कि बंद रहेगा, सोचा कि आप लोगों को नज़ारा दिखा दूँ। तो आज के ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर सिर जरूर कर देना यार, नेक्स्ट टाइम देखूंगा, कभी ट्राई करूंगा, खुला रहेगा तो आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखो।